मैंने ये बिजनेस के पहले प्रेस्टीज का जो बिजनेस कर रहा है उसके पहले हमने इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड का बिजनेस करते थे, 2% 1.5% में चल रहा था। तो हमने सोचना लगा क्या करें क्या करें, तो उस टाइम एक इंटीरियर डेकोरेटर का साथ मेरा भेंट हुआ। तो उन्होंने उनको बोला, हमने देखो भाई हम ये बिजनेस नहीं करना चाहते, तो बोले तो तुम एक काम करो ये हटा दो, हम तुम्हारा एक बिजनेस के नहीं बारे में बोल रहा है वो करो। तो हम उनको बोला क्या बिजनेस क्या है, बोले प्रेस्टीज टीटी का, प्रेस्टीज का। बोले वो क्या है, एक सिंगल ब्रांड का चलेगा, मतलब 15-20% मिनिमम आएगा। तो 24 अक्टूबर में हमारा ओपन हुआ 2008। उस दिन फर्स्ट डे मेरे को 84 समथिंग सेल हुआ था। तो हमने देखा जो बापे बाप इतना सारी कस्टमर आया एक सिंगल ब्रांड में यार, हम लोग इतना सारी ब्रांड लेकर बैठे था, 2-3 दिन कोई आदमी आते ही नहीं हमारे पास। तो उस टाइम हमको लगा बहुत अच्छा बिजनेस है, ये एक फिक्स प्राइस में चलता है, प्रॉफिट भी एकदम फिक्स है, तो अच्छा ही है, बार्गेन नहीं चलता है। और कस्टमर प्रोफाइल जो था बहुत अच्छा है ये कंपनी का, कस्टमर मैंने सब कुछ जानते हैं, जानने के बाद मेरे पास आते थे, हम लोगों के पास आते। और इसमें क्या है, इसमें सब कुछ ओपन है, एकदम क्लियर, कोई हिडन कुछ नहीं है। कस्टमर का साथ हम लोग का जो ड्रिलिंग चलता है उसमें कुछ हिडिंग नहीं है कि उसके पीछे में कोई नहीं है। लेकिन पहले जो बिजनेस हम करते थे, हम लोग हर बाद में कस्टमर को झूठ बोलने पड़ते थे, हम लोग वो बात हमको अच्छा नहीं लगते। सभी कंपनी का एक रूल्स एंड रेगुलेशन है, लेकिन वो कभी कभी वो ब्रेक करके आदमी लोग बिजनेसमैन को सपोर्ट करते हैं, हम लोगों को सपोर्ट करते हैं। क्योंकि हम 2017 में एक एक्सीडेंट हो गया हमारा, हमारा गोडाउन में आग लग गए, बहुत सारी सामान जल गया, करीब 20 लाख का आसपास में होगा। तो उस टाइम मैं बहुत प्रॉब्लम में फंस गया था कि हम आगे कैसे बिजनेस को लेकर जाएंगे। लेकिन ये जो कंपनी, हमारा जो कंपनी है वो रीजनल मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, हेड ऑफिसर भी मेरे को फ़ोन किया, सपोर्ट किया। उन्होंने खुद आया, रीजनल मैनेजर, हमको बोला तुम घर में क्यों बैठा हुआ है। हमने सर ऐसा ऐसा बात है, हमको अच्छा नहीं लगता है, इसलिए तो तुम चलो अभी वो इलेक्ट्रिक लाइन सब कुछ लगाओ, ओपन करो, कल तुम्हारा मटेरियल भेज देंगे, तुम कल से फिर शुरू करो। और ये कंपनी हर साल 30-40 नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है, इनोवेटिव कंपनी है, ये रुक नहीं जाते हैं अलग कंपनी का, भाई चलता है चलो चलो, ऐसा नहीं है, कुछ नया लेकर आते ही है हर साल। इसी साल भी आ गया ऑलरेडी, अभी लास्ट ईयर में 1.9-10 करोड़ के आसपास में हुआ एक शॉप में, और दूसरा शॉप में हुआ वो करीब 20-30 लैक्स ऐसा कुछ हुआ। तो कमिंग ईयर में इसी साल में जो रनिंग 2019-20 में और भी ज़्यादा होना चाहिए, करीब 20-30% ग्रोथ होना ही चाहिए, क्योंकि कंपनी का बहुत सारी प्रोडक्ट नया आ रहा है और प्रोडक्ट वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है अभी, तो होना ही चाहिए।